की ओर, ये वैष्णो देवी की याद आ गई है बच्चों को क्योंकि वहाँ पर ऐसी शेड्स होते हैं। बद्रीनाथ टेम्पल भी है, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, दीपम, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी। वाओ, अभी बहुत कुछ है मतलब। बारह शिवलिंगों में से, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 तो यही है। अरे यहाँ देखो सामने, वैष्णो देवी की याद आ गई। सेट नहीं है ये, सोलर सिस्टम पैनल लगा रखे हैं, सोलर पैनल लगा रखे हैं। हाँ ये सोलर पैनल है, इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हैं भाई। आया है ये बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ टेम्पल में है बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्रीनाथ मंदिर भी कहा जाता है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। ओके, तो ये आप सबको पता होगा ये चार धामों में से एक धाम है। हाँ। जो हम कहते हैं कि चार धाम की यात्रा करनी चाहिए, हाँ, तो उसमें से एक धाम बद्रीनाथ टेम्पल और भी बनाया गया। हाँ, और यही है वो टेम्पल। हम सबको बहुत ज्यादा ब्रेक की जरूरत है क्योंकि हम बहुत चल लिए हैं। है ना, ब्रेक चाहिए क्या? ब्रेक चले नहीं है, धूप ज्यादा लग रही है। क्या चले? ज्यादा नहीं, धूप ज्यादा लग रही है, गर्मी स्टार्ट है। ये दो स्वेटर आप सिंगल में आ जाएंगे। अभी तो हमने वैसे भी सिंगल ही वेयर किया हुआ है। हां, गर्मी लग रही है, गर्मी लगती है ना, दिल्ली का आने वाला है, सर्दी जाती है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नॉट क्या कह रहे हो? दिल्ली मनाली बच जाए। अच्छा, हमारा मनाली जाने का खर्चा बच जाएगा। हाँ ये भी है ना, हम यहीं पे एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे आ चुके हैं जो कि है ये वाला टेंपल। अब टेंपल्स आ रहे हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये टेंपल है। तो ये वाले टेंपल का नाम है, इस टेंपल का नाम है द्वारकाधीश टेंपल। द्वारका भगवान कृष्ण को द्वारकाधीश, ये भगवान कृष्ण, कृष्ण जी का मंदिर है ये। और ये भी देखो क्या द्वारकाधीश है। हाँ, और कृष्ण जी के जाने के बाद ये पूरा समुद्र में समा गया था। आपका चैनल का नाम क्या है? PF1X। सो ये है टायर रिम्स, एंगल एंड रोज, साइकिल पास, शीश एंड रोज, गियर्स, इन सब से मिलके बनाया ये वाला टेम्पल। ये है, ये क्या अपने आप ही ना, इनको ना एक अंकल जी है ना, ऊपर चढ़ते हैं और सब जगह दिए रखे होते हैं तेल डाल के, एक एक इतनी बड़ी स्टिक होती है उसको। मैं देख रखी हूँ, मतलब अगर एक दिए में आग, एक दिए में जलेगा ना तो अपने आप ही ये पूरा जल जाएगा। हाँ, ये उज्जैन में हमने देखा था ये सिस्टम, और रात को बहुत अच्छा लगता है। दीप स्तंभ मॉन्यूमेंट इज रामेश्वर मंदिर, मंदिर सॉरी। सो ये रहा रामेश्वरम मंदिर, और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये 12th सेंचुरी में बिल्ड हुआ था। वाओ, पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला के टिप पे ये सिचुएटेड है। वाओ, गल्फ ऑफ मैनो, कैसे दिखाएं भरने दे फिर। और वैसे कि हम सबको ही पता है कि ये सब किससे बना है, ये बेस्ट ऑफ मटेरियल होके बना है। मॉन्यूमेंट है ये, आंटी नहीं, मैं पीछे वाले मॉन्यूमेंट की बात कर रही हूँ। तो ये मॉन्यूमेंट है, और इसका बोर्ड वोरा ऑफ, ऐसी बात है, दिखाती हूँ मैं क्या है बोर्ड पर है। और ये ऐसा बनाया गया है, ये जगन्नाथ टेम्पल है, और लोड जगन्नाथ के टेम्पल है ये, जगन्नाथ का ही नाम ही उनका ही है। एंड मटेरियल ये देखो, टायर्स, पाइप्स, कार गियर, नट्स एंड बोल्ट्स। फ्रेंड्स, ये है महाबत पैलेस, एंड सबसे सुंदर इस जगह पे यही लगा, कुछ भी कहो बेस्ट है ना ये वाला, बेस्ट है। नाउ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है कुछ ऐसा, वहाँ बाहर ऐसे बना, क्लियर है ना। हाँ, सो ये ऐसा दिखने में है बनाया गया है, और ये है 19th सेंचुरी में बिल्ड हुआ था, और जैसे कि बता पहले भी बता रखा है, नट बोल्ट, सुरक्षा पट्टी, मतलब वही वेस्ट मटेरियल से ये बना है, सो विच इज वेरी गुड, और सबसे सुंदर है ये वाला। आए हैं सांची स्तूपा, सांची स्तूपा पे आए हैं हम, जो रियल में ऐसे है बट बनाया ऐसे गया है, जो कि ये रहा। अभी समझ नहीं आएगा आपको, मैं दूर से दिखाऊंगी, पहले मैंने सोचा बोर्ड दिखा दूं, तो ये वही सेम गियर्स और सब से बना है। इसका ओवरव्यू है, ऐसा लगता है दूर से, पाछे तो बहुत अजीब ही लग रहा था, तो वहाँ मासी खेड़े में मासी के पास जा रही हूँ। और यहाँ बुद्धा जी हैं, बुद्धा जी भी बिठाए हुए हैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे न्यू न्यू दीदीज मिली जो वो हमारे ब्लॉग्स भी देखेंगे, देखोगे ना पक्का। आपको इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी भेज देना। ओके, प्राची, आपका नाम? इशिका, आपका? गौरी। सो आप पक्का देखना आप, ठीक है, तो नीचे कर दो। हाँ।
हम बैठ चुके हैं एक जगह और वहाँ से आ रही है हमारी फ्रूटी। बच्चे थोड़ा सा डाइट फील कर रहे हैं तो उनको एनर्जी लाने के लिए हम ड्रिंक्स ला रहे हैं। और ये नहीं पियोगे, माजा पियोगे, छाछ पियोगे, मिल्क पियोगे, सब कुछ है, सब कुछ। और ये नहीं स्टार्टिंग में ही था वो जो खाने ये जगह जगह में दो जगह हाँ बहुत सारी जगह है, डस्टबिन में मिल गए थे हमें। वो अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, बहुत अच्छा सिटी अरेंजमेंट, बहुत अच्छा सिटी अरेंजमेंट, बहुत ज्यादा। हां हां, और हम थोड़ा थक गए हुए, खत्म होने को नहीं आ रहे, चले चले तो आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ मजा आएगा। जैसे कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो आपको प्राइसेस भी पता चल गए, कब खुला है कब बंद है वो भी पता चल गया। सो एंजॉय करो आप, बड़ी अच्छी जगह, बड़ी अच्छी जगह और नियर बाय है, दूर नहीं है, ऑलमोस्ट सेंटर दिल्ली। और देख लो कब से रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, बहुत कम एंजॉय कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, भूलना मत, भूलना मत। ये क्या नहीं है, एनर्जी ड्रिंक ये उससे अच्छा है, ये अच्छा आनंद बादाम मिल्क शेक, बादाम मिल्क शेक फ्लेवर मिल्क। और मैं नहीं पीऊंगी, आप भी पी लो, वाटर वाटर भी है। हम आ गए हैं विक्टोरिया पैलेस पे जो कि ऐसा है, और रियल वो जो डमी क्लोन था ये रियल, और वो ना हमारा मॉडल, हमारा मॉडल हर जगह रेडी रहता है, हर जगह मिलेगा, पाया जाएगा, हर जगह पाया जाएगा, अभी उड़ते पड़ते कहीं कहीं पाया जाएगा। फ्रेंड्स हमें बाहुबली का रथ मिला, बाहुबली अपना रथ यहाँ छोड़ के गया था, उसने मुझे बताया था। क्या हाथी देखो, वो हाथी नहीं है, ये हाथी है, वाओ ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। कह रही थी फ्रेंड्स हाथी का रथ नहीं था, हम्पी रथ है ये, हम्पी रथ है ये, और ये है इसका मटेरियल जिससे ये बना है, वही सेम चीज। पाइप सी चले क्या, इलेक्ट्रिक पोल पाइप सी चले, पता नहीं बाबू, यही मतलब सिलेंडर वगैरह से बना है, ये कुछ ऐसा बना है, ऐसा है रियल में। और ये इधर है, ये रहा। क्या हुआ, आगरा जाना, आगरा, ओ जल्दी चलो, आगरा चलना, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब हम दोबारा आगरा पहुंच जाने वाले हैं, घूमते घूमते आगरा पहुंच गए। मैसूर कहाँ है अंदर, और कुछ बना, मतलब इतना बनाने के बाद अगर और बना रहे तो क्या ही बना रहे, इतना सुंदर तो है ये जगह, और बन रहा है। ओह इट्स ओके, हम आगे चलते हैं। कहाँ गए, हम हो गए, हम हो गए क्या फ्रेंड्स, हमें पता ही नहीं चला, हम बातें करते करते कब आगरा पहुंच गए, आगरा के ताजमहल में। हम ऐसे पहले कोई मतलब हम ऐसे पहले इंसान है जो चलते चलते आगरा पहुंच गए, दिल्ली से आगरा चलते चलते, वो भी एक घंटे में, क्या दो घंटे, दो घंटे में। हाँ अभी क्या क्या, और जगन्नाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर, सब हो जाए, सब दिल्ली से स्टार्ट हो गया, दिल्ली में आगरा में खत्म हो जाए, दिल्ली से स्टार्ट हो गया आगरा में। हाँ हाँ, इसके बाद में कुछ सुनेंगे, ताजमहल ये, और ये रहे मेरे पागल भाई बहन, हम छोटे फिल्म के करेक्टर हैं, क्योंकि हम छोटे फिल्म के पेड़ पे बैठे हैं। अरे हाँ मैं बताती हूँ, राजू बोलू, बोलू चुटकी चुटकी, ये डालू बोलू कर रहा है, बोलू कर रहा है। मैं कौन हूँ, जग्गू 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 जग्गू, छोटा भी हूँ मैं, छोटा भी हूँ मैं, छोटा भी मैं, डोरा मी, मैं छोटा भी, छोटा भी। आप हो महल की रानी, हाँ मैं महल की रानी, इंद्र, हाँ इंद्र वर्मा, हम ताजमहल आ गए हैं, ये रही ताजमहल की नदी, मॉन्यूमेंट दिखाया मैं यहाँ पे, इतना लंबा, इतने हैं हमारे देश में, ये एक दो एक्स्ट्रा ज्वाइन कर दिए इन्होंने, क्या वहाँ पे वो है, वो देखो, ओ क्या हो रहा है, काव्य बैठ सकती है, वाओ, ओ एक घोड़े के रथ है, रथ है ये, सेंटा क्लॉज नहीं, ये तो रेंडियर है, सेंटा क्लॉज इसी पे बैठ के आए थे हमारे, अभी तक पहुँच कहाँ गए, अभी तक पहुँचे नहीं, लेकिन सेंटा क्लॉज इनको रथ इधर रह गया, इसलिए नहीं आए, इस बार अपने आप कैसे घूम रहे, टायर कैसे घूम रहे, पैलेस घुमा रही है। मैं भी आपको ये पैलेस दिखाया था, ये है मैसूर पैलेस, शाही महल। हाँ मासी, अरे फोन आ गया। ये जो आप ये देख रहे हो ये है चार मीनार, जो ऐसा दिखता है, और ये सेम वही मटेरियल है जो हर में ही है, देख लो, मतलब रॉड्स नट्स बॉल शीट्स, बस चले मासी, हो रहा है एक और मॉन्यूमेंट, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा भाई, ये तो हद ही हो गई।
ये है कोणार्क टेम्पल और सेम देखो इधर ये भी गियर से बियरिंग एंगल्स इन सब से ही बना है टोटल ऑफ वेस्ट मटेरियल बट दिखने में कितना अच्छा लग रहा है एंड मैं ये बेल भी बजा के जाऊंगी सब बजा रहे थक गए अब तो पैर दुख रहे हैं लास्ट टूर्नामेंट पे सब थक गए हैं सब कह रहे अरे अभी चार और है बट हमें तो रिकॉर्ड में लिखे आ रहे हैं नाम के नाम के नाम खत्म ही नहीं हो रहे नहीं हो रहा बट अब एग्जिट आ गई है चार और है उसके बाद एग्जिट गया तो निकल गया हम निकल रहे हैं कैसे कर रहे हो तुम कह रहे हो चार और मैं क्या एक और आ गया यहाँ पे हाँ जी बुद्धा जी है शायद पता नहीं कौन है ये लेटे हुए हैं मैं आपको उसका ब्रीफ देती हूँ ये है अजंता और अजंता एंड एलोरा अजंता एंड एलोरा वो स्कार्फ्स और वो लॉक कट हिंदू टेम्पल है ये है और देखो यहाँ पे इंसान भी है इसमें 30 गुफाओं का समूह है देखो इसमें 30 गुफाओं का समूह है जिसमें भगवान बुद्ध की काठ प्रतिमाओं के साथ ही दीवार पर बौद्ध धर्म से जुड़ी पेंटिंगें भी बनाई गई है वाओ एंड ये लास्ट टेंपल है इस जगह का टेंपल है जिसका नाम है खुजुराहो खुद क्या है मुझे तो बड़ा भी नहीं जा रहा खुजुराहो मंदिर खजुराहो मंदिर हम उस गेट से भाग जाएंगे जिसको मैं कब से ढूंढ रही थी वो रहा चलो 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 आ जाओ अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है आइसक्रीम उसका भीड़ उधर भी इतनी भीड़ है मतलब मजा आया अभी है उसे कितनी देर बाद मिलूंगी ऐसा लग रहा है कितने दिन हो गए मिले आशु मासी के घर पे है वो हाँ बड़ी अच्छे हाँ क्या होता है कुछ अलग चीजें में नियर बाय देखा जाते हैं तो यहाँ पे जरूर है आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा हाँ और यहाँ पे पार्किंग भी है जिसके ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है पर आवर 20 रुपीज है और हार्डली अगर आराम आराम से देखोगे तो 1.5 आवर लगेगा हाँ हमें 3 घंटे हो गए होंगे हम तो रुके कितना बीच बीच में हम बैठ गए थे अरे भागल पर मैं भी जा रही हूँ अपनी डॉल से मिलने देर हो गई इतना धूप तो कभी नहीं मुझे उससे 2 घंटे चौन परी ले सर सर चौन वीडियो बनता है बहुत तक गई ये प्यार चल रहा है इधर फ्रेंड्स आने के बाद मुझे मिले हैं चिली पटेटो और मम्मी ने आज एमी को खाना देने में इतना लेट कर दिया ना आके मैंने दिया हमें तो बोलते हो ये मासी ने चिली पटेटो दिए थैंक यू तब ये मिक्स करके खाएंगे की फरारी देख लो नोरमिया वो बच्चों की है खुशु आरवी खुशु हटियो खुशु हटना खुशु जब दो एक हाँ खुशु जब 2 साल का था ना जब चलाता था वो 3 hours later. So friends, अब हम पहुंच चुके घर मतलब जो आज हमने जो एमओ के लिए एक्सेसरीज ली थी वो मैं आपको जब नहीं दिखा पाई थी बट मैं अभी आपको दिखा देती हूँ अपने एमओ के लिए क्या क्या लिया था आज एक तो ये लिया था कंडीशनर शैम्पू बेसिल का ये इन्हीं की ब्रिड का है ना नोनमिया ये एमओ की ब्रिड है ना एमओ की ब्रिड का देखो कितने बड़े बड़े बाल हो जाते हैं इनके और एक ये मल्टी फ्लेवर ट्रीट ली थी ये मल्टी फ्लेवर ट्रीट ली थी ये न्यू है एमओ के लिए ये तो जेरी हाई की तो एमओ खाती है इसका फ्लेवर हाँ इसका स्पिनिच लाए वैसे ये बनाना एंड चिकन खाती थी अब मिल्क एंड चिकन 3-4 पैकेट इसने बनाना एंड चिकन के खानी है अब ये हम स्पेनिश का ट्रीट है दोनों चिकन भी खा रखा है हाँ तो ये स्पेनिश की ट्रीट लाए हैं और ये मल्टी फ्लेवर मतलब इसमें बहुत सारे फ्लेवर और सारे नेचुरल है एमओ पसंद आया इधर दिखा पहले अपनी शक्ल ये देखो एमी ये देखो ग्रूमिंग होके तो अलग ही लगती है एमी एमओ आई मेरा बच्चा इसकी फॉर टुडेज व्लॉग होप सो यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक बहुत मेहनत करी है आज बहुत अच्छे मैं फ्रेंड्स मैं बताऊं हम लिटरली कंधे में दर्द हो रहा है पकड़ना है कैमरा पकड़ो ना मैं बोलूंगी हाँ मैं थक गई हम लिटरली 3-4 घंटे सब चल रहे हैं और हम बहुत अच्छा व्लॉग बनाने के लिए ही गए थे घूमना तो अलग बात हो जाती है लेकिन हम व्लॉग के लिए गए थे ना तो अगर आप लाइक नहीं करोगे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा तो करके जाना क्योंकि